भारत एक सोच होने तो चलिए जल्दी नेक्स्ट। भारत एक सोच के चैनल के सभी लोगों को बधाई देता हूँ। विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव को जुलाई से सड़कों पर निकलना था। अखिलेश यादव ने जुलाई से ही चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। एक तरफ जुलाई में ही नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से अपना चुनावी कार्यक्रम शुरू किया, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन करके सरकार के आधे अधूरे वादों की पोल खोली। अखिलेश यादव इसी बीच मलियाबाद पहुंचे। मलियाबाद में भारत एक सोच से बात करते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। आपका चैनल भारत एक सोच जमीन पर काम करता है, लोगों की आवाज उठाता है। गांव में घर घर तक पैक बना चुके भारत एक सोच को बुलाकर अखिलेश यादव ने अपनी बात रखी। भारत एक सोच होने तो चलिए जल्दी नेक्स्ट। दोस्तों, यूपी में तेजी से बढ़ते हुए आपका डिजिटल चैनल भारत एक सोच अब किसी पहचान का मोहताज नहीं है। भारत एक सोच गांव गांव तक अपनी पहचान पहले ही बना चुका था। अब यूपी की राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए तेजी से जाना जा रहा है। भारत एक सोच आपके बीच इसलिए है क्योंकि आज की परिस्थितियों में भारत को एक बार फिर से सोचने की जरूरत है। अपना प्यार भारत एक सोच पर ऐसे ही लुटाते रहिए। सच्ची खबरों के लिए भारत एक सोच पर भरोसा जताते रहिए। भारतीय जनता पार्टी ने वो संकल्प पत्र कूड़े में फेंक दिया। महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी बढ़ा दी, बिजली का बिल बढ़ा आ रहा है। जहाँ तक सवाल मलियाबाद का है, ये फल पट्टी है। जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी किसानों को, वो सुविधाएं नहीं मिली। समाजवादी पार्टी किसानों को राहत देगी, बिजली के सवाल पर सब किसान बर्बाद हो गए। इतना महंगा, इतनी महंगाई का सामना करना पड़ रहा है कि आज बिल ज़्यादा देना पड़ रहा है। समाजवादी सरकार बनेगी तो किसानों को सिंचाई से लेकर के और क्या सुविधा दे सकते हैं, वो राहत देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने अभी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव और जिला पंचायत का चुनाव देखा है कि किस तरीके से पैसे का इस्तेमाल हुआ और किस तरीके से प्रशासन का गलत इस्तेमाल कर करके परिणाम अपने पक्ष में लाए गए। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम जय भारत।